और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की तस्वीरें सामने आई हैं। एक दूसरे पर ये कुर्सियां फेंक रहे हैं और इस दौरान इन्होंने जूते, चप्पल और लात सब मारे हैं। स्थानीय चुनाव से पहले ये घटना हुई है, टिकट बंटवारे को लेकर ये हाथापाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं, स्थानीय चुनाव है, लोकल बॉडी पोल्स हैं जिसको लेकर ये हाथापाई हुई है और टिकट को लेकर फाइटिंग थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गोविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोविंद, तो आखिर इतना मामला किस बात को लेकर बढ़ गया कि ये हाथापाई तक उतर आए? देखिए, मध्य प्रदेश में अगले महीने लोकल बॉडी इलेक्शन है और उससे पहले जो टिकट बंटवारे की प्रक्रिया होती है, बायोडेटाज लिए जाते हैं, चीजों को स्क्रूटनाइज किया जाता है, तो ये टिकट बंटवारे को लेकर, जो पार्षद के टिकट बंटवारे को लेकर मीटिंग थी भोपाल में, कांग्रेस के लोकल बॉडी के जो लीडर्स थे, चाहे तो जो भोपाल के कांग्रेस अध्यक्ष हैं मिस्टर कैलाश मिश्रा, वो भी शामिल थे और तमाम जो प्रतियोगी जो जो इसमें अपने आप को दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम इस बार पार्षद का चुनाव जीतेंगे, तो उनके बायोडेटा लेकर वो आए हुए थे। उसी दौरान कोई हुज्जत पैदा हुई और इस कदर एक दूसरे से भिड़ते, लड़ते, झगड़ते नजर आए कि ना सिर्फ लात दूसरे चले बल्कि कुर्सियां फेंकी गई। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर लोकल बॉडी के जो लोकल नेताओं की भी बात की जाए तो वो भी इस कदर हुज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी ब्रास लीडर्स कांग्रेस के जो हैं उनमें इन फाइटिंग देखने को मिली, अब लोकल लेवल पर भी इस तरह की इन फाइटिंग देखने को मिल रही है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये कुल मिलाकर चुनाव से पहले, लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले कांग्रेस के अंदर जो इन फाइटिंग देखने को मिल रही है, चुनाव लड़ने से पहले आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें बयान कर रही हैं आखिर कितनी हाथापाई जो हुई है इन कांग्रेस वर्कर्स के बीच में टिकट को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं।